नमस्कार, मैं वीरबल धाकड़ ग्वालियर से, एग्रीकल्चर कोचिंग से, एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस से। तो ट्वेल्थ क्लास की हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज दोनों ही क्लास हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो आज हमारा जो क्लास है एक इंग्लिश मीडियम का है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 फसलों की खेती सेकंड, रबी क्रॉप्स इसके अंतर्गत आती हैं। तो हमारा स्टार्ट होता है, पहला क्वेश्चंस क्या आएगा, क्वेश्चंस देखेंगे, क्या देखेंगे, क्वेश्चंस क्या है। राइट द कल्टीवेशन ऑफ ग्राम अंडर द फॉलोइंग हेड्स, अर्थात जब बोर्ड से पेपर आएगा तो उसमें ये लिखा आएगा कि फॉलोइंग हेड्स में आपको क्या करना है, राइट करना है। तो ये 5 मार्क्स का हुई है और 4 मार्क्स का, जैसा भी है ना। तो क्या आएगा, द राइट द कल्टीवेशन ऑफ ग्राम अंडर द फॉलोइंग हेड्स, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो इसके जो हेड्स हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप बोर्ड में किस तरह से लिखा होगा, जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो आंसर हेडिंग डालेंगे। आंसर डाल के सबसे पहले हम लोग क्या हेडिंग डालेंगे, कल्टीवेशन ऑफ द, तो किसका कल्टीवेशन गई है हमें, ग्राम की गई है। तो हम यहाँ से उठाकर के इस वर्ड को क्वेश्चन में से और आंसर में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हेडिंग बन जाएगी, है ना। तो आंसर लिख करके हेडिंग बनाएंगे सबसे पहले, जैसे मैंने बनाया वैसे आप भी बनाएंगे एकदम, ठीक है। फिर इसका सबसे पहले हम लोग बॉटनिकल हिस्से के बारे में बात करेंगे। तो इसका क्या देखेंगे, बॉटनिकल, है ना। तो देखेंगे बॉटनिकल में क्या देखेंगे, इसका बॉटनिकल नेम देखेंगे। तो बॉटनिकल नेम क्या है चने का, साइसर एरिटिनम। क्या है, साइसर एरिटिनम। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप लिखेंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। दूसरा चने की फैमिली क्या है, तो अपन दूसरी हेडिंग डालेंगे यहाँ पर फैमिली। तो फैमिली क्या है, लेगुमिनेशी। तो लेगुमिनेशी ही फैमिली में क्यों आता है, क्योंकि ये जो पॉड लगी हुई है, जो फली लगी हुई है, इसको ही हम लेग्यूम बोलते हैं। तो जिन पौधों के अंदर लेग्यूम्स है, जिन प्लांट्सों के अंदर लेग्यूम्स है, वो लेगुमिनेसी फैमिली में आते हैं। क्या आते हैं, लेगुमिनेसी में आते हैं। अब हम बात करें गन्ने में, तो क्या पॉड्स आती हैं, नहीं आती, तो वो लेगुमिनेसी में नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर एक हमारे पास बॉटनिकल नेम हो गया, नंबर दो हमारे पास लेगुमिनेसी की हेडिंग हो गई, तीसरा क्लाइमेट, अर्थात जो ग्राम है वो कौन सी क्लाइमेट में सर्वाइव अच्छा करता है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर क्या है, फ्रॉस्ट फ्री नॉर्मल कैसा होना चाहिए, फ्रॉस्ट नहीं होनी चाहिए, अर्थात कोहरा नहीं होना चाहिए ज़्यादा। तो फ्रॉस्ट फ्री नॉर्मल कूल्ड सीजन 85-95 सेंटीमीटर रेनफॉल होना चाहिए, इतने में बहुत अच्छा सी ग्रोथ करता है कौन, ग्राम। दूसरा आता है हमारे सामने, दूसरा आता है इम्पोर्टेंस, अर्थात ग्राम हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखता है, या ये भी कह सकते हैं कि इसका यूज़ क्या है ग्राम का। वो जो यूज़ बताया है हमने वही उसका इम्पोर्टेंस होगा। तो आप बताइए क्या यूज़ होता है ग्राम का, यानी चने का उपयोग लाइफ में कहाँ उपयोग होता है वो बताना है। तो किंग ऑफ द पल्स, इसे दालों का राजा भी कहा जाता है, सबसे बड़ी अच्छी बात है ये वाली, कॉम्पिटिशनों में भी पूछी जाती है कि दालों का राजा किसे कहते हैं, तो हम बताएंगे किंग ऑफ द पल्सेस, दालों का राजा किसे कहा जाता है, ग्राम को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ पल्सेस, बहुत अच्छी बात लिखा है। दूसरा, इट हैव द 20-25% प्रोटीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसकी, कि यानी ग्राम के अंदर कितने प्रतिशत प्रोटीन होती है। तो अब लिखा है इट हैव 20-25% प्रोटीन एंड फोडर इज द, क्या फोडर इज द यूज टू बी द एनिमल, अर्थात पशुओं के लिए इसका चारा भी प्रयोग होता है, अर्थात इसका वेजिटेटिव पार्ट्स है वो पशुओं को खिलाने के काम आता है, बहुत अच्छी बात लिखा है। राइजोबियम बैक्टीरिया आर द फाउंड इन द रूट्स, अर्थात इसकी जो जड़ें होती हैं, ये मान लो हम लोग चने का प्लांट्स है ना, और इसमें जो रूट्स हैं, क्या हैं, जो रूट्स हैं ऐसे ये, तो इनमें जो नोड्स पाई जाती हैं, क्या पाई जाती हैं, नोड्स पाई जाती हैं, इन नोड्स में क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, क्या पाया जाता है, राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, पल्सेस में विच द फिक्स द एटमोस्फियरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, है ना, अर्थात
जो बैक्टीरिया पाया जाता है रूट्स के अंदर, वह वायुमंडल की नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्सेशन करता है। अर्थात ये कह सकते हैं कि नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है प्लांट को, तो प्लांट को भी क्या हो रहा है, बेनिफिशियल है। तो बहुत अच्छी बात है कि राइजोबियम बैक्टीरिया इसके अंदर क्या करता है, रहता है, अर्थात सिम्बायोसिस के फॉर्म में रहता है। अब आती हम बात की इसके बाद नाइट्रोजन दरअसल स्पेसिफिक सॉर टेस्ट ऑफ द ग्राम लीफ इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द मैलिक एसिड। अर्थात इसकी जो पत्तियां होती हैं चने की, ये वाली, इन पत्तियों में खट्टापन होता है, किसके कारण होता है, मैलिक एसिड के कारण होता है, किसके कारण होता है, मैलिक एसिड कारण होता है, इसलिए इसकी पत्तियां सब्जी में यूज होती हैं, अर्थात सब्जी बनाने के काम आती है, जिसे अपन रूरल में या क्षेत्रों में बताते हैं भाजी करते हैं, तो भाजी, या हम ये कह सकते हैं कि इसकी पत्तियों कुछ हल्का खट्टापन होता है, वो किसके कारण होता है, देखा है ना, इसके अंदर कैसा टेस्ट है, इसके अंदर सॉर टेस्ट होता है, तो इसकी लीव्स का खट्टा स्वाद जो होता है वो किसके कारण होता है, किसके कारण होता है, मैलिक एसिड के कारण होता है, किसके कारण होता है, मैलिक एसिड के कारण होता है। दूसरा ऑल ऑब्जेलिक एसिड होता है, दो एसिड पाए जाते हैं, मैलिक एसिड और ऑब्जेलिक एसिड, इनसे खट्टापन आता है। तो इस प्रकार से हम बात कह सकते हैं कि चने का ये इंपोर्टेंस होता है। आप भी सेम टू सेम यही पॉइंट्स लिखेंगे, है ना, ज़्यादा या कम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, है ना, क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं कि चने की सोविंग कौन से टाइम में की जाएगी, तो चना किस मौसम का है या ग्राम किस सीजन का है, तो ग्राम हमारा है रबी क्रॉप में, तो किसका है, ग्राम किसका है, रबी क्रॉप का है, तो रबी क्रॉप में हम लोग सोविंग कब करेंगे, अक्टूबर से नवंबर के बीच में करेंगे, तो सोविंग टाइम क्या माना जाएगा, ग्राम का क्या माना जाएगा, टाइम ऑफ सोविंग अक्टूबर टू नवंबर, यानी अक्टूबर से नवंबर में किया जाता है, ठीक है। तो अब आता है टेम्परेचर, क्या आता है, टेम्परेचर, अर्थात किस टेम्परेचर पर यह फसल बेहतरीन ग्रो करती है, है ना, तो ग्रो करने के लिए क्या टेम्परेचर होना चाहिए इसके, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, है ना, और सोविंग के टाइम पे भी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, तो टेम्परेचर एट द जर्मिनेशन 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, अर्थात 15 से 20 डिग्री सेल्सियस के यदि टेम्परेचर है, तब यदि हम सोविंग करते हैं तो बेहतरीन जर्मिनेशन होगा, अर्थात बीज का अंकुरण अच्छे से होगा, है ना। एट द राइपनिंग टाइम 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब फसल पकती है तो कौन सा मौसम आ जाता है, मार्च का, उस समय थोड़ा हल्की गर्मी आ जाती है और इसलिए इसके बाद टेम्परेचर बढ़ गया, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये मध्य प्रदेश के हिसाब से है, मध्य प्रदेश में अक्सर ऐसे ही चलता है। अब आता है इसका सॉइल एंड सॉइल की प्रिपरेशन, तो ग्राम के लिए हमें, ग्राम कल्टीवेशन के लिए जो सॉइल होती है वो बेहतरीन कौन सी मानी जाती है, बहुत अच्छी, बेस्ट क्वालिटी की, तो रफ कंडीशन ऑफ सॉइल, अर्थात चना के लिए डेलेदार सॉइल होना चाहिए, कैसी होना चाहिए, डेलेदार होना चाहिए, रफ कंडीशन में होना चाहिए, है ना। दूसरा है लॉमी सॉइल, कैसी होनी चाहिए, लॉमी सॉइल विद द वेल ड्रेनेज, उसमें अच्छा जल निकास होना चाहिए उस सॉइल का, इज ए सूटेबल, है ना, अच्छा ड्रेनेज कैसा माना जाता है, सूटेबल माना जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉर द कल्टीवेशन, है ना, फॉर दिस क्रॉप्स सॉइल हैविंग पीएच मान वैल्यू 6.5 to 7.5, है ना, 7.5 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6.5 से कितना होना चाहिए, 7.5 होना चाहिए इसका, तो ये बेहतरीन माना जाता है, आर द मोस्ट सूटेबल, है ना। तो जो सॉइल है उसके लिए पीएच मान ज़्यादातर कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, यानी जिसका पीएच मान लगभग 7 हो, लेकिन एवरेजली हम लोग कितना मान सकते हैं, 6.5 से 7.5 के अंडर में होना बेहतरीन माना जाता है, है ना। ऑर्गेनिक मैटर द शुड बी दी अवेलेबल इन सॉइल फॉर द गुड ग्रो ऑफ द क्रॉप्स, अर्थात अच्छी ग्रोथ करने के लिए उसमें ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए, अर्थात उसमें मैन्योर्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैन्योर्स होना चाहिए, काय के लिए, बेहतरीन ग्रो कराने के लिए, हम कहते हैं गांव में इसको देसी खाद होना चाहिए, किसके लिए, चना की अच्छी ग्रोथ करने के लिए। जो मैन्योर्स होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेटर सॉइल के अंदर बढ़ाते हैं, इससे क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है ना।
और सॉइल टेक्सचर में भी क्या आता है, परिवर्तन आता है। अब ये हमारी सॉइल हो गई, इसके लिए अब हम बोते हैं कि चना की वैरायटी कौन सी बोएंगे। चना यदि हम लोग ग्राम करना चाहते हैं तो ग्राम की अच्छी वाली वैरायटी कौन सी है जो अच्छा यील्ड कर सकती है, क्या कर सकती है, जो अच्छी यील्ड दे सकती है। तो हमारे पास है गौरव है, उज्जैन 21 है, जेजी 62 है, 62 है, जेजी 74 है। जेजी का मतलब क्या है, जेजी क्यों बोल रहे हैं, जरा थोड़ा सा बता देता हूँ। जे का मतलब है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर, और जी का मतलब होता है ग्राम, अर्थात ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से विकसित वैरायटी है। तो जेजी का मतलब हो गया जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से विकसित है, और जी का मतलब है ग्राम। तो जेजी 62, जेजी 74, जेजी 315, ये जो है ना विल्ट डिसीज रेजिस्टेंट है। कैसी है, विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी है जेजी 315, है ना। तो इसमें इस वैरायटी को यदि बोते हैं किसान क्या करता है, वो सोविंग करता है, तो विल्ट रेजिस्टेंट है अर्थात विल्ट नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा है काबलू के फोर्स है ना, ग्वालियर 2, इंदौर, ये जो वैरायटी है कोई सी भी 5, 4 या 6 वैरायटी कर लेना काफ़ी है। वैसे ज़्यादातर एमपी बोर्ड के अंदर तो यही पूछा जाता है कि 2 वैरायटियों के नाम लिखो। तो जो हेडिंग्स दी हैं मैंने, जो हेड दिए हैं, ये क्या दिए हैं, हेड, हेडों को ध्यान रखना। उसमें कोई 4 हेड पूछें तो 4 हेड का कल्टिवेशन के बारे में बता दो, 5 हेड पूछ रहे हैं तो 5 हेड के बारे में। मैंने सारे हेड्स दे दिए जितने चने पर होना चाहिए, आपको जितना पूछ है उतना ही आप बताएं। आपका टीचर इसको देख करके खुश हो जाएगा, शानदार, कैसे बहुत सिंपल तरीके में लिखा गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा होगा कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम अलग अलग है, है ना, बहुत सिंपल तरीके से दिया अपने। अब आती है बात इसका सीड रेट, यानी हम लोगों ने वैरायटी फाइनल कर ली। वैरायटी फाइनल करने के बाद सीड रेट की बात करेंगे, तो कितनी रेट डालेंगे अब सीड की पर हेक्टर, एक हेक्टर में कितना सीड सोविंग करेंगे। तो सोविंग के लिए हमारे पास फाइनली कितना है, 75 to 80 पर केजी पर हेक्टेयर, 70 to 80 केजी पर हेक्टेयर, कितनी, क्या लिखा है, पर हेक्टेयर 4 देसी ग्राम, किसके लिए है, यहाँ से ये देसी ग्राम है, 100 to 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर 4 किसके लिए है, काबुली ग्राम्स। इसमें ज़्यादा क्यों है, इसमें कम क्यों है, कम और ज़्यादा का फर्क बताओ। इसमें इसका जो सीड होता है उसका वेट थोड़ा होता है, क्या होता है, थोड़ा ही बड़ा होता है, और ये देसी कैसा होता है, देसी कैसा होता है, छोटा होता है। तो कम वजन में ही पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, और इसमें ज़्यादा वजन हो गया तब पौधों की संख्या बराबर हो पाएगी, इसलिए इसमें ये वजन थोड़ा कम है और इसमें वजन ज़्यादा है, जबकि पौधों की संख्या दोनों में पर हेक्टेयर कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसका सीड ज़्यादा साइज बड़ी है तो वेट ज़्यादा हो जाएगा, है ना। उसके बाद आता है स्पेस, अर्थात स्पेस से क्या लेना देना है, जरा समझो। हमने खेत में सोविंग करी ऐसे, है ना, क्या की सोविंग की, ऐसे ये सब है ना रो में सोविंग की, तो एक रो दूसरी रो से कितनी दूरी पर होना चाहिए, क्या एक रो दूसरी रो से कितनी दूरी पर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बात कही गई है ये 30 सेंटीमीटर, तो ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए, कितनी पर, 30 सेंटीमीटर। अब हम लोग कर रहे हैं प्लांटिंग, तो एक प्लांट है ना, दूसरा प्लांट, तीसरा प्लांट, एक प्लांट दूसरे प्लांट से कितनी दूरी पर होना चाहिए ये दूरी बताना है। तो प्लांट से प्लांट की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो पहली लाइन जो है ये रो टू रो की बात कही गई है ना, किसकी गई है, रो टू रो, और दूसरी जो बात कही गई है वो पी टू पी की गई है, अर्थात पहली लाइन रो टू रो से की दूरी है और दूसरी किसकी है, पी टू पी, हमेशा याद रखना। इसलिए मैंने आपको समझने के लिए एक अलग से क्या लग दिया है, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, है ना, ये समझने के लिए। तो ऐसे दूरी बताना है, आपके लिए इतना ही काफ़ी होता है ना, इतना ही लिखना है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आता है, चलो हमने सोविंग कर दी, सीड वैरायटी फाइनल कर ली, अब थोड़ा चना बड़ा हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन। वैसे ज़्यादातर कंडीशन में हम बात करें तो चना में इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ पर काली मिट्टी अर्थात मार बोलते हैं इंग्लिश को, अब मार नहीं है तो कहीं हमारे पास पानी की अवेलेबिलिटी है तो हम लोग पानी दे सकते हैं, है ना। तो पानी देंगे हम, तो देखो कितना पानी दे सकते हैं अब हम लोग, तो इरिगेशन के बारे में बात कही है। तो प्री फ्लावरिंग अर्थात फ्लावरिंग के समय जैसे ही फूल आना शुरू होते हैं तब, और एंड पॉड डेवलपमेंट यानी अगर फलियां आना शुरू हो जाएं तब हम मोस्टली क्या करते हैं,
इरिगेशन करते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्राम में क्रिटिकल स्टेज क्या इरिगेशन की, तो हम बताएंगे एक फ्लावरिंग स्टेज है, कौन सी है फ्लावरिंग स्टेज है, दूसरी है पॉड डेवलपमेंट अर्थात फूल आने पर करें या फिर फलियां बनते समय क्या करेंगे इरिगेशन करेंगे, क्या करेंगे इरिगेशन कर सकते हैं, है ना। और आप देख रहे हैं इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं रोक करके वीडियो, है ना। अब आता है हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पूरी बात न लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वन और टू इरिगेशन सूटेबल फॉर ग्राम कल्टीवेशन, क्या बोल सकते हैं वन और टू इरिगेशन सूटेबल फॉर ग्राम कल्टीवेशन, या ये भी कह सकते हैं मैच्योरिटी के लिए, या कुल सोविंग कुल इरिगेशन कितने हैं वन और टू इरिगेशन सूटेबल। अब आता है दूसरा, जब हमारे पास इरिगेशन हो गया है ना, स्पेसिंग हो गई, अब बचता है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर देना पड़ेंगे क्या, तो मैन्योर फर्टिलाइजर्स की क्या रिकमेंडेशन होती है, तो लेस नाइट्रोजन रिक्वायर्ड अर्थात चने की जो क्रॉप्स है उसकी रूट में ऑलरेडी वो पाए जाते हैं क्या नोड्स पाए जाते हैं, और नोड्स में राइजोबियम लेग्यूमिनेसरम बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो क्या करता है वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्टोर करता है। तो नाइट्रोजन की हमें बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, न थोड़ी बहुत होती है तो वो अपने आप पूरी हो जाती है, 2 से 220 से 230 केजी नाइट्रोजन और 45 से 50 केजी फास्फोरस की आवश्यकता पड़ सकती है। तो नाइट्रोजन ना के बराबर होती है, उसके बाद ये पी हो गया, उसके बाद ये के हो गया, है ना। तो एनपीके की मात्रा इतना ही काफ़ी मानी जाती है। तो ये हमारे पास मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हो गए। जब हम कल्टीवेशन करेंगे उससे एक माह पहले 70 क्विंटल्स पर हेक्टेयर क्या डाल सकते हैं मैन्योर डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं मैन्योर्स डाल सकते हैं, एक मंथ पहले डाल सकते हैं, ओके। तो इस तरह से हमारे पास ये यहाँ तक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स तक आ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिस इन ग्राम अर्थात यहाँ पर कौन कौन सी क्रियाएं चने के अंदर की जा सकती हैं ग्राम के अंदर, तो वो सुनेंगे। तो हमारे सामने दो चीज़ दिखाई दे रही हैं, तो देखो प्रैक्टिस इन द ग्राम अर्थात चना में ऐसी कौन सी प्रैक्टिस की जाती हैं, तो दो प्रैक्टिस हम बोल सकते हैं, वो तो एक ही बात है दोनों सेम है, निपिंग या टॉपिंग, क्या बोलेंगे निपिंग या टॉपिंग। निपिंग और टॉपिंग में क्या होता है, आप जैसे जैसे देख रहे हैं जब इनकी 30 से 35 डे के आसपास हो जाए, 30 से 35 डे के आसपास जब इसकी चने की क्या हो जाए दिन में ग्रोथ हो जाए, तब हम क्या करेंगे इसको पत्तियों को तोड़ेंगे, इसकी पत्तियों को क्या करेंगे ऊपर से टॉप को काटना क्या कहलाएगा, यहाँ से टॉप काट देंगे इसका, है ना, क्या कहलाएगा टॉपिंग कहलाएगा। तो टॉपिंग की क्रिया करेंगे हम लोग, क्या करेंगे टॉपिंग की अर्थात टॉप काटने से क्या होगा वो समझते हैं। जब हम उसकी मुख्य ब्रांच को यहाँ से हम जब मुख्य ब्रांच जा रही इसको जब काट देंगे यहाँ से, तो सहायक ब्रांच और बढ़ जाएंगी, इसका मतलब ये निकला कि ब्रांचों की संख्या बढ़ेगी, ब्रांच संख्या बढ़ेगी तो पॉड की संख्या बढ़ेगी, पॉड संख्या बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। अर्थात अच्छे प्रोडक्शन करना है या प्रोडक्शन की संख्या बढ़ाना है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें टॉपिंग कर देंगे, है ना, निपिंग यानी नोच लेंगे इसको, ठीक है। तो ये है इसके इसके बाद हमारे पास दूसरा आता है, ये निपिंग भी हो गई फ्लावरिंग होने लगी, अब क्या आता है इंसेक्ट, किसके लिए पॉड खाने के लिए इंसेक्ट आएंगे। तो कौन कौन से इंसेक्ट आ सकते हैं हमारे सामने, तो इंसेक्ट पॉड बोरर। तो पॉड बोरर से क्या मतलब है, आपको ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये पॉड लगी हुई हैं, ये पॉड लगी हुई हैं, बहुत सारी पॉड दिखाई दे रही हैं। जैसे मैं मान लेता हूँ ये चना की ब्रांच है ना, और ब्रांच में हमारे सामने एक पॉड लगी हुई ऐसे, और इसके अंदर सीड लगा हुआ है ना, तो क्या आएगी अब बोरर आएगी यहाँ से, क्या आएगी बोरर ऐसे, है ना, इल्ली आएगी ऐसे ऐसे और इसमें से हॉल कर देगी और इसको सीड को खाने के लिए आएगी। तो पॉड में पहले क्या किया उन्होंने बोर किया, इसलिए इसका नाम पॉड बोरर रखा गया है। पॉड में क्या कर रही है बोर अर्थात पॉड बोरर। तो इस प्रकार से पॉड बोरर इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसेक्ट है इसका पॉड बोरर। इसका ही क्या जितने भी पल्सिस क्रॉप हैं उनमें पॉड लगती हैं, उन सब में पॉड फॉर्मेशन जब होता है तब इंसेक्ट आता है, तो उसका नाम होता है पॉड बोरर। तो ये पॉड बोरर हो गया।
है ना, कटवर्म। कटवर्म क्या करता है, यह कीट यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये प्लांट है पूरा, तो ये सॉइल है, तो सॉइल में यहाँ पर वो छुपा रहता है, वो आकर के पूरे जो है ना इसको काट देता है, क्या कर देता है, इसको काट देता है और पूरा ही पूरा प्लांट नीचे गिर जाता है, इसलिए इसको कटवर्म बोलते हैं। तो काटने से पूरे प्लांट का नुकसान होता है, तो ये पॉड बोरा से भी ज़्यादा नुकसान कर देता है। दूसरा होता है रेड हेयरी कैटरपिलर, तो ऐसी कैटरपिलर में रेड रेड बाल पाए जाते हैं, वो रेड हेयरी कैटरपिलर कहलाते हैं। तो ये तो हो गए हमारे इंसेक्ट, इस तरह के हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर इंसेक्ट कैसे हैं, दिख रहे हैं ना, दिख रहे ये जी इंसेक्ट हैं ये पूरे, ये इसके अंदर देखो पॉड के अंदर जा चुके हैं, ये सब देखें, ये सीड के अंदर ही एंट्री कर चुके हैं, ये कैटरपिलर है ना। चलो ठीक है, अब आती हैं इंसेक्ट खत्म होते हैं तो फिर आते हैं हमारे पास इनकी कंट्रोल, कैसे कंट्रोल करें इंसेक्टों को। तो इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे और मोनोक्रोटोफॉस, एक इंसेक्टिसाइड क्या आएगी, इंसेक्टिसाइड मेडिसिन आएंगे, उन इंसेक्टिसाइड को हम स्प्रे करेंगे 2.0.02%, है ना, इंसेक्टिसाइड शुड बी दी डन, यानी हम लोग कौन सी दवाई का यूज़ करेंगे, ये इंसेक्टिसाइड है, कौन सा केमिकल है, इंसेक्टिसाइड, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोनोक्रोटोफॉस, है ना, दवा का नाम क्या है, मोनोक्रोटोफॉस, तो ये है मोनोक्रोटोफॉस, है ना, ओके। तो इस इंसेक्टिसाइड को हम लोग स्प्रे कर देंगे तो जो इंसेक्ट अभी लगे थे वो इंसेक्ट डेड हो जाएंगे या मर जाएंगे, हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या दूसरा दिया मेलाथियन, है ना, पैराथियन मेथाइल्स एंड पैराथियन 85 cc, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब डिसीज आने लगी है, तो ग्राम के अंदर कौन सी, ग्राम कल्टीवेशन जो प्रॉब्लम्स थी वो क्या थी, एक तो इंसेक्ट थे, तो इंसेक्टों के नाम जान लिए, इंसेक्टिसाइड डाल दी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, डिसीज, तो डिसीज कौन सी होती है, उनका कंट्रोल कैसे करेंगे, तो मेजर कंट्रोल देखेंगे हम लोग। तो डिसीज का नेम आ गया जी, तो विल्ट डिसीज, कौन सी डिसीज आ गई, विल्ट। विल्ट क्या होता है, यानी जब चने का पेड़ होता है तो उसकी रूट्स में क्या लग जाती है, फंगस लग जाती है, जहाँ पर क्या लग जाती है, फंगस, जिसकी वजह से रूट्स डैमेज हो जाती हैं और उसके बाद पूरा प्लांट सूख जाता है, यानी डेड हो जाता है। इस स्थिति को हम लोग विल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विल्ट डिसीज बोलेंगे, कौन सी, विल्ट डिसीज। तो ये विल्ट डिसीज हो गई, है ना। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे विल्ट डिसीज के, विल्ट डिसीज ना हो, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम जब सीड को बोएंगे या सोविंग करेंगे तो सीड ट्रीटमेंट करेंगे, किसके साथ करेंगे, विथ 2.5 ग्राम थायराम या फिर कार्बन डाइऑक्साइड प्रति केजी सीड के हिसाब से यूज़ करेंगे, या फिर बाद में जब लगे तो स्प्रे भी कर सकते हैं, ज़्यादातर स्प्रे नहीं करते हैं। अब आगे देखेंगे अगला, दूसरी डिसीज हमारे पास, एक डिसीज बिल्ट डिसीज हो गई, दूसरी डिसीज कॉलर रॉट। कॉलर रॉट में भी क्या होता है, जड़ें सड़ती हैं, सेम टू सेम वही होता है, अलग कोई विशेष नहीं होता है, कॉलर रॉट में माने रूट्स सड़ जाती हैं या फिर जंग लग जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इनका भी कंट्रोल वही है, सीड ट्रीटमेंट विद द थायरम कैप्टन। थायरम कैप्टन क्या है, फंजीसाइड है, क्या है, फंजीसाइड, ओके। और उसके बाद आती है ईल्ड, जब हमने जो प्रॉब्लम्स थी इंसेक्ट की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, डिसीज़ की प्रॉब्लम थी डिसीज़ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, अब हमारे पास मैच्योरिटी का टाइम आ गया। तो मैच्योरिटी कितने दिन में आ जाती है, 4 मंथ्स में, 120 दिन, इतने में कितने दिन हो गए, 120 दिन हो गए, और फरवरी या मार्च में मैच्योरिटी आ गई, तो हार्वेस्ट कर लेंगे इसकी, है ना, हार्वेस्ट हो जाएगा। हार्वेस्ट करने के बाद जब हम थ्रेसिंग करेंगे तो कितनी यील्ड निकलेगी, 25 से 30 क्विंटल पर हेक्टेयर, जब फसल इरिगेटेड होती है तब, यदि इरिगेटेड नहीं है तो लगभग 5 क्विंटल कम हो जाएगा, तो अपन बोलेंगे 20 से 25 क्विंटल एवरेजली, है ना। तो ये हमारे पास हुई अगली, हमारे पास चना की कल्टीवेशन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर कोचिंग में आपका स्वागत था और है और रहेगा, और इसमें थैंक यू फॉर आपके लिए बोला गया है, तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना है
मैं आपके लिए सारी वीडियोस अभी मैंने जो बनाई है वो फ्री हैं, आप अपने दोस्तों को शेयर करके इतना पुण्य तो कमा ही सकते हैं। हम जम्मू कश्मीर वैष्णो देवी ये तो नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन हम इतना तो पुण्य ले ही सकते हैं ना, शेयर करके अपने दोस्तों को बोल सकते हैं। और जिन लोगों को आवश्यकता है वो मुझे इस कॉल पर बात कर सकते हैं पूरी। जिनको जैसा अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, है ना, क्या करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इस नंबर पर मेरा मोबाइल नंबर है 5973918236, है ना। और जो लोग कोचिंग पर ज्वाइन करना चाहें वो कोचिंग पर ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं वो ऑनलाइन ले सकते हैं। ऑनलाइन लेना है तो हमारे पास एप्लीकेशन है, उस पर प्ले स्टोर पर डाउनलोड करेंगे तो उस पर लिखेंगे एग्रीकल्चर कोचिंग, एग्रीकल्चर कोचिंग क्लास, ठीक है, एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस डालेंगे तो प्ले स्टोर पे आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा। यहाँ से हम आपको क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे तो सारी क्लासें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। ओके, थैंक यू।